हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहां के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। देखो बच्चों, यहां पर एक और ऐप है अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप, वो नहीं करना है। स्टूडेंट को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये चार फीचर्स है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है, या एजुकेटर से आप डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं, जो ये दिखाता है कि आपके पैरेलल में और स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं तो कितने परसेंट स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है। तो ये आपको वैसी ही फीलिंग देता है जैसी ऑफलाइन क्लासरूम में होती है। सेकेंड एडवांटेज है बच्चों, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, आप ये प्रिपरेशन का इवोल्यूशन कर सकते हैं, जिससे आपने एक बार थ्योरी को पढ़ लिया पर आप कहां स्टैंड करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के करेक्ट डायरेक्शन में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, और साथ में आपकी रैंक कहां स्टैंड करेगी, इन सबका इवोल्यूशन कर सकते हैं बच्चों लाइव टेस्ट एंड क्विजेज से। थर्ड, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लो लेवल से स्टार्ट करके स्टूडेंट्स को टॉप लेवल तक ले जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किए जाते हैं, जैसे आपको क्रैश कोर्स चाहिए, या फिर आपको रिपीटर्स के लिए कोर्स चाहिए, या 11th के साथ आप नीट यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आपको 2 month, 4 month, 6 month, 12 month, इनमें से किसी का भी आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। और यहां पर एक बार थ्योरी खत्म हो गई है तो रिविजन स्ट्रेटेजी भी डिजाइन की जाती है कोर्सेज में, और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे आप कितने ही एजुकेटर से एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, और मतलब एक चैप्टर के लिए आपको एक एजुकेटर से समझ नहीं आ रहा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी भी एजुकेटर के पास जा सकते हैं, आपको एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है। ऐसा केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, ऐसा बायो में भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी तो ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वहां जो एजुकेटर आपको दे दिया गया आपको उसी से समझना है। यहां पर बेस्ट एजुकेटर वो होता है जो आपको अच्छे से समझाता है, आप उसकी क्लास अटेंड कीजिए, औरों की नहीं। क्लियर है बच्चों सबकी, आया समझ में? तो ये चार फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब आना, यहां पर फ्री लाइव क्लासेस होती है, डेमो क्लासेस, जिन्हें भी आप पहले से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं संडे को स्पेशल क्लासेस लेने जा रहा हूं बच्चों, चार फ्री क्लासेस है,
आपके एजुकेटर ऐप पर मैं चार क्लास लेने जा रहा हूँ, चार टिपिकल टॉपिक मैंने चूज किए हैं, आपका केवीएल केसीएल, बच्चों को थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम होती है, दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल, तीसरा जियो मैग्नेटिज्म, फोर्थ वन इज द ट्रांजिस्टर, ऐसा कहा जाता है। और एक एक क्वेश्चन देते हैं डेफिनेटली ये सारे चैप्टर नीट में। हम बात करते हैं यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, यहाँ के व्यूअर्स फॉलोअर्स इनके बहुत ज्यादा हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन वैसे तो एक महीने के लिए लेंगे ना तो 6,000 रुपीज का आएगा तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, पर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना तो पर मंथ कॉस्ट 12 मंथ के लिए 2500 ही रह जाएगी, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो कॉस्ट 1500 रुपीज पर मंथ रह जाएगी। और मेरा रेफरल कोड यूज करें आप, जीएस सर, हाँ जी, तो ये कॉस्ट डिक्री मतलब 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और 1500 रुपीज वाली कॉस्ट 1350 वो भी तीनों सब्जेक्ट के लिए में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपका 2500 वाला कोर्स है तो वो 2250 में ही अवेलेबल हो जाएगा, और जो 6000 का है वो 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों इस रेफरल कोड का एक और फायदा है, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, जो 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है नीट यूजी के लिए, वो मैं आप सबको फिजिक्स में तो मेरी तरफ से आपको हेल्प होगी, चाहे आप क्वेश्चन पूछें, थ्योरी पूछें, स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, नोट्स चाहिए रेडीमेड, बट इसके अलावा मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में भी दूसरे एजुकेटर से कांटेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा, यहां तक कि आपका नीट यूजी में सिलेक्शन हो गया है, मेडिकल कॉलेज कैसे चूज करते हैं, काउंसलिंग तक भी आपकी हेल्प करता रहूंगा बच्चों। हाँ जी, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, ये चौथा सेशन है। बेसिकली ये तीन क्वेश्चन देते हैं बच्चों, दो से तीन क्वेश्चन, कभी एक फोटोइलेक्ट्रिक से आता है, एक मैटर वेव से आता है नीट में, कभी कभी दो फोटोइलेक्ट्रिक से आ जाते हैं, मैटर वेव से आपका एक ही रह जाता है, तो इस तरह से दो से तीन क्वेश्चन वैरी करते रहते हैं, साथ में इनडायरेक्टली दूसरे चैप्टर्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ जी, ये आपका पहला क्वेश्चन बच्चों, AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, हेलो केसरवानी जी, आकाश शाह, गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो हेलो जी, सबको हेलो। आ जाइए इस पहले क्वेश्चन पर। राइट ऑन टारगेट, चेक कीजिएगा बच्चों। परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर मोमेंटम ट्रांसफर्ड पूछा है बच्चों। हाँ जी ऋतुजा जी, हेलो हेलो बच्चे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, चेक कीजिएगा क्या है परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका फोटोन गिरा तो पी कितना होगा, पी पता है ना, एच बाई लैम्डा, एंड रिफ्लेक्ट हो गया, बोलो बच्चों, तो ये पॉजिटिव माना है तो ये डेफिनेटली ये पी वन है, ये पी टू है, तो व्हाट इज अ डेल्टा पी, क्या होगा बच्चों, पी टू माइनस पी वन, ये तो फोटोन का हुआ तो कितना आएगा, माइनस एच बाई लैम्डा माइनस, हाँ जी, तो ये आया माइनस टू एच बाई लैम्डा, ये तो चेंज इन फोटोन आया बच्चों, ये तो किसका है, फोर फोटोन, बट इसका अपोजिट होता है बच्चों, फोर
सरफेस पॉजिटिव लेंगे। पक्का क्या बच्चों? अरे बोलो जी, क्लियर है सबको? तो कितना आएगा? 2h बाई लैम्डा। क्यों? दोनों का इक्वल और अपोजिट होगा ना, फोटोन प्लस सरफेस का, तो वो पॉजिटिव होगा। अब चेक करना बच्चों, E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू भर देंगे, क्या होता है? एच सी अपॉन ई, उठा के भर दीजिए यहां, तो आपके पास आ जाएगा। चेक करना बच्चों, 2h लैम्डा, ई ऊपर चला गया। यस, बिल्कुल सही है केसरवानी जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। नौ जी, इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों, एब्जॉर्बिंग में होता है वो आंसर। ये किसका फोर्थ कब जाएगा आंसर इज, पहले तो आंसर टिक कर दें। फर्स्ट आएगा, फोर्थ एब्जॉर्बिंग के केस में आएगा, इन परफेक्ट एब्जॉर्बिंग। हाँ जी, परफेक्ट एब्जॉर्बिंग सरफेस। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये शुरू होता है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, ये भी 2015 का क्वेश्चन है, AIPMT। चेक कीजिएगा, हाँ जी, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। चेक कीजिएगा कैसे हैंडल करेंगे, मेटलिक सरफेस विद मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 3V0। चेक कीजिएगा बच्चों, इक्वेशन में आइंस्टीन के इक्वेशन में सजाते हैं, इज अ इंसिडेंट एनर्जी, इट इज अ वर्क फंक्शन, इट इज अ ईके, एंड ईके का ही दूसरा नाम EV0 लिख देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड ये कितना दे रखा है, एच सी बाई लैमड़ा माइनस 5, इट इज 5 इज इक्वेशन नंबर। हाँ जी, तो क्या होगा, एच सी अपॉन लैमड़ा माइनस 5 इज इक्वल टू ई इंटू 3V0। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है बच्चों। हाँ जी, क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या किया, 2 लैमडा कर दिया, तो एच सी बाई 2 लैमडा, वर्क फंक्शन वही है बच्चों, तो ये ईवी नॉट रह गया, इज इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 इन 1, ईवी नॉट की वैल्यू यहां भरनी है, ऊपर भरने जा रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1। चेक करना क्या होगा, भरने जा रहा हूं, एच सी अपॉन लैमडा माइनस 5 जैसे का जैसा, एंड 3 ईवी नॉट की जगह पर, ईवी नॉट की जगह पर सेकंड से वैल्यू भर रहा हूं, एच सी अपॉन 2 लैमडा माइनस 5। इज दैट क्लियर? नाउ सॉल्व इट, एच सी अपॉन लैमडा माइनस 5 is 3FC upon 2 lambda minus 3 phi। so 3 phi को इधर ले आइए, HC by lambda को उधर ले जाइए, तो 3 phi minus phi is 3 by 2 HC by lambda minus SC by lambda।
So it is 2 phi is equal to 3 by 2. अरे बोलिए बच्चों कितना आया एच सी बाय 2 लैम्डा ये 2 फाइ सो व्हाट इज द फाइ एच सी अपॉन 4 लैम्डा पर आपको पता होना चाहिए फाइ क्या होता है लैम्डा नॉट तो एच सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट इज द 4 लैम्डा बच्चों यस बहुत बच्चों का आंसर करेक्ट था वेरी गुड बिल्कुल सही मिस्टर अभी थ्योरी क्लासेज स्टार्ट होगी 4 क्लासेज है स्पेशल और सबसे शानदार वाले टॉपिक लेके आया हूं जियो मैग्नेटिज्म यह आपका 6 बजे से 7 बजे तक होगा हाँ जी 6 to 7 इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर बच्चों को प्रॉब्लम होती स्पेशल क्लास ऑन स्पेशल संडे 5th of July और मॉर्निंग में है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड केवीएल एंड केसीएल ये चारों एक एक क्वेश्चन दे जाते हैं बच्चों 4 क्वेश्चन तो यही प्रिपेयर हो जाएंगे आपके हाँ जी चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो संडे का बोल दीजिए अपने दोस्तों को भी सबको अन अकेडमी का एजुकेटर ऐप डाउनलोड करिए और मेरी 4 क्लासेस है स्पेशल फ्री फ्री क्लासेस है बस आपको लाइव आना है बच्चों यस मिस्टर निखिल राठौड़ हेलो क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है टारगेट से कभी भी मुड़ना नहीं है चेक कीजिएगा देखो क्या हो रहा है थोड़ा सा देखना सब E-5 चेक करना बच्चों इक्वेशंस बनाना आना चाहिए एंड काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट क्लियर एंड 1.2E-5 इज 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेक करना बच्चों हाँ जी क्लियर है सबको यहां तक किसी को कोई डाउट अब हमें फाई चाहिए या तो ई का वैल्यू उसमें से इसमें भर दीजिए चेक कर लीजिए आप इजीली फाइंड कर देंगे क्यों फाई इलिमिनेट नहीं करना हमको ई इलिमिनेट करना है या इक्वेशन नंबर 1 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हाँ जी ई कैंसल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई तो क्या होगा तो 0.6 हो जाएगा बच्चों अरे इक्वेशन सोल्व करना आता है क्या इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया एंड सेकंड को सबट्रैक्ट कर दो यहां हाँ जी सेकंड में से थर्ड को सबट्रैक्ट कर दो ये लो ताकि आपको ये सेकंड है सो 2-1 याद रखना 2-3 ये इक्वेशन 2-3
तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए बच्चों, एंड कितना आया 0.25 इज इक्वल टू 0.2। अरे बोलो ना, पॉजिटिव 8 में से 6 गया तो 0.2 बचेगा ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। सो 5 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, इज दैट क्लियर? अरे ये वैसे ही क्वेश्चन है, x से सजाऊं क्या इसको, x माइनस y इज इक्वल टू 0.5 पहला, और 1.2x माइनस y इज इक्वल टू 0.8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, ओनली y, दो इक्वेशन दो अननोन। पक्का बच्चों आंसर इज सेकेंड? अरे बोलो ना, क्लियर है सबको? ये आपके बचपन की कहानी है, नाइन्थ क्लास, ऐसे क्वेश्चन नाम बदल दिए, इंसिडेंट एनर्जी नाम रख दिया। यस, टिक कर चुके हैं जी ऑलरेडी, बिल्कुल शानदार केसरवानी जी, आंसर बिल्कुल सही है आपका, सेकंड ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी गोदारा जी, चलिए परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सबसे पहला वर्ड बच्चों ऐसे क्वेश्चनों में क्या देखना है, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंटेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है बच्चों। अभी हमने परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मोमेंटम निकाला था बच्चों, याद करो, ऐसे h by lambda था, ऐसे क्या था, माइनस h by lambda था, तो डेल्टा p आया था 2h by lambda, ये तो एक फोटोन का था, नंबर ऑफ फोटोन का बात करें ना, ये तो ये होगा, और इसमें टाइम का डिवाइड करें, इसे कहते हैं बच्चों फोर्स। तो बोलो फटाक से क्या आएगा, NPH, डेल्टा P का वैल्यू ऊपर से भरा, यस, ये T, पक्का, इसको कहते हैं स्मॉल NPH, क्या होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये स्मॉल से दिखाते बच्चों 2H by lambda, उठा के भरो, NPH पता है क्या, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं, is IA lambda upon HC, और मैंने आपको HC का वैल्यू फाइंड करना, चलिए यहां जरूरत नहीं है, उठा के भर दीजिए, फोर्स क्या आया, भरने जा रहा हूं IA lambda HC और 2H by lambda, इसी में वैल्यू भरा है, H कैंसिल हो गया बच्चों, lambda भी कैंसिल हो गया, तो कितना आया 2IA by C is the force, भर दीजिए वैल्यू, आई आपके पास है 25 मीटर स्क्वायर में है, ये जरूर देख लीजिएगा, ये मिली वाट सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में बदलिए बच्चों, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है कहानी, पक्का चेक करना बच्चों, 3 से 5 times, ये 50, ये 250, और ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो चेक करना 50 into 10 की पावर -8, यही आंसर है, चेक करना है उसको, आंसर के अकॉर्डिंग लिख लीजिए 2.5 10 की पावर -6 न्यूटन, ये एब्जॉर्बिंग सरफेस होता ना बच्चों, आंसर
फंस जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें फोर्स हाफ होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपका क्वेश्चन है, यस, अब की बार एंगल पर आ रहे हैं। उसमें एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेक करना क्या हो रहा है, थोड़ा सा थ्योरी भी आपको आइडिया दूं। ये फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं वो थीटा 60 डिग्री है बच्चों, एंड रिफ्लेक्ट हो गया फोटोन, ये आपका फोटोन है। तो वही इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर कितना, एक उधर, बोलो बच्चों। हाँ जी, एक इसके भी होंगे, एक उधर, पक्का, और एक इधर। देखो एच बाई लैम्डा साइन थीटा का डेल्टा पी, इसको बोलते हैं डेल्टा पी वन परपेंडिकुलर, और उसे भी उसे बोलते हैं पी टू परपेंडिकुलर, इसका नाम है पी टू पैरेलल। क्यों पैरेलल? क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल है, और ये पी वन पैरेलल, तो पी वन पैरेलल वाले कैंसिल हो गए बच्चों सरफेस के अलोंग। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? जीरो, बट इसके अकॉर्डिंग डेल्टा पी परपेंडिकुलर इज वाट 2h। देखो माइनस होगा, बट पी वन परपेंडिकुलर माइनस, ओ पी टू परपेंडिकुलर माइनस पी वन परपेंडिकुलर, तो माइनस 2h बाई लैमडा कॉस थीटा। ये तो फोटोन के लिए, पर उसके लिए कितना आया बोलो बच्चों, फोर सरफेस, ये तो फोर फोटोन। सरफेस का रिकॉइल मोमेंटम होगा ना, उसे पॉजिटिव लिखेंगे, फोटोन के अपोजिट होगा बच्चों। यस, पॉजिटिव लिखेंगे, और इसको हमने h बाई लैमडा को तो किसमें कन्वर्ट कर दिया था, 2ia बाई c, और डेल्टा p होगा ये तो एक फोटोन का नंबर ऑफ फोटोन से भी मल्टीप्लाई किया था बच्चों। फोर्स इज एन पी एच इंटू टू एच बाई लैमडा, यस, कॉस थीटा बाई टी, और ये डायरेक्ट पकड़ाया हुआ है हमें, इज एन पी एच। तो बोलो फटाक से, फोर्स इज इक्वल टू एन पी एच, टू तो ले लो आगे, एच बाई लैमडा और कॉस थीटा, सोल्व करने जा रहा हूं, डेटा रख रहा हूं बच्चों। यस, कितना आएगा, क्या समझ नहीं आया? वही बोलिए केसरवानी जी, क्या करना है, दोबारा बताना है क्या, रिपीट करना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके, चेक करना, मैं कलर बदल देता हूं आपके लिए। सबसे पहले इरेज कर देते हैं, ये चेक कीजिए बच्चों, कोई बात नहीं, दोबारा समझिए आप, थोड़ा कलरफुल बना ही देंगे हम। ये लीजिए बच्चों, ये इंसिडेंट फोटोन है, चेक करना बच्चों,
ये इंसिडेंट फोटोन है, ये वो रिफ्लेक्टिंग है। हाँ जी, तो क्या करोगे, ये एच बाई लैमडा नॉर्मल से एंगल बना रहा है, याद रखना सरफेस से दिया है तो 90 माइनस थीटा आएगा। तो मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से एंगल बनाएगा। तो एक होगा इस डायरेक्शन में, कितना होगा एच बाई लैमडा कॉस थीटा बच्चों, एक होगा उस डायरेक्शन में, बोलो जी पक्का, फिर आना। इसके भी रिफ्लेक्टिंग के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, ये, और एक ग्रीन डायरेक्शन में। चेक कीजिएगा बच्चों, इधर, यस, अब तो समझ में आया, यस। तो ग्रीन ग्रीन का चेंज जीरो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, डेल्टा पी पैरेलल जीरो है बच्चों, क्यों है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, जबकि डेल्टा पी परपेंडिकुलर ब्लू वाले डबल हैं, अब समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये तो केवल फोर फोटोन, ये सरफेस थोड़ा कलरफुल बनाने से बच्चों को अच्छा लगता है। इज दैट क्लियर? नाउ ये डेल्टा पी हो गया एक फोटोन, ये फोर वन फोटोन, हाँ जी फोर एन फोटोन, क्या करोगे, नंबर ऑफ फोटोन से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम का तो डिवाइड होता है ना, डेल्टा पी बाई टी, फोर्स पता है ना बच्चों। लो देखो थोड़ा सा और क्लियर कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते रहिए। ये देखिएगा क्या होता है, फोर्स डेल्टा पी बाई टी, और उसको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको एन, और डेल्टा पी की वैल्यू एच बाई लैमडा कॉस थीटा रख दी, सोल्व किया जी, लो एनपीएच बोलना 10 की पावर 19, एच 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, लैमडा 663 नैनोमीटर। चेक कीजिएगा बच्चों, हाँ जी, और cos 60 डायरेक्ट लिख दू ना 1/2, ये cos का वैल्यू है बच्चों, 2 से 2 उड़ गया जी, देखना इसको पावर ढंग से सोल्व करना, इसको ये लिख देंगे 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये 6 से 6 उड़ा दो, 7 ऊपर गया बच्चों, तो ये 26 हो गया पॉजिटिव का, और 34 में से 26 गया 10 की पावर माइनस 8 बच्चों, यस आंसर इज, पक्का बच्चों, अरे बोलो जी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, कैलकुलेशन आपको करनी है, यस आंसर इज थर्ड। चेक कीजिएगा बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है आपकी अगले क्वेश्चन की कहानी, चेक कीजिएगा क्या बोला है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वो भी जूल में, क्या फॉर्मूला, ई माइनस फाइव ई के, क्या होगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट ई के, एच न्यू माइनस, यस
इट इज द ई के, वैल्यू भर रहे हैं एच की। 34 न्यू कितना है, 10 की पावर 14 माइनस, यस रुको बच्चों 15 नहीं है जी, 13 है। बोलो जी, अब सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वल पावर होनी जरूरी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप 10 इंटू 10 की पावर 13, 13 कॉमन ले लो तो देखना क्या आया, यस 34, 10 की पावर 13, 10 माइनस 5, बोलो बोलो बच्चों क्या होगा, इजीली होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो 3.3, 14 कर दो इसको तो 10 की पावर माइनस 20 जूल में बच्चों, यस आंसर इज थर्ड, पक्का बिल्कुल। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चेक कीजिएगा बच्चों, शानदार क्वेश्चन है AIPMT 2010। क्या कर रखा है, स्ट्रीट लैंप की पावर दे रखी है। अरे भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर नहीं चाहिए, फोटोन वाली पावर चाहिए। तो क्या करोगे, फोटोन की पावर 25% ही है, लाइट की पावर चाहिए। तो बच्चे ये ध्यान नहीं रखते, पी इलेक्ट्रिकल 200 है वॉट, तो यहां से पी फोटोन निकालो, फोटोन का मतलब है लाइट, एक ही बात है, फोटोन और लाइट का नाम ही है ना, ये लाइट बच्चों इज अ 25% ऑफ पीई, ये इफेक्टिव पावर होती है फोटोन की। तो कितना हो गया, 25/100 इंटू 200, सो इट इज द इफेक्टिव पावर 50 वाट। अब चाहिए फोटोन, क्या होता है फोटोन पता है क्या, आईए लैम्डा एच सी, एच सी को क्या लिख सकते हो सुना है क्या, और आईए कौन है पावर, पर कौन सी, फोटोन की, पी ऑफ फोटोन, पी पी कर देता हूं इसको, पी पी, और लैम्डा मल्टीप्लाई करना है, डेटा भरना है बच्चों, 10 की पावर 24 पावर ऑफ, बोलो बोलो पावर कितनी आई, 50, लैम्डा कितना है बच्चों 0.6 माइक्रोमीटर, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 माइक्रोमीटर है बच्चों, माइक्रो मतलब 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये आपका हो जाएगा, ये डायरेक्ट भर दिया मैंने, ट्राई करते हैं बच्चों 300, 1500 और 24 में से 7 गया, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 20 बच्चों, यस थर्ड,
नहीं जी ऐसा नहीं है, मेरे आंसर थर्ड नहीं रहते हैं, ये AIPMT के ऑप्शंस हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चन इज द पावर ऑफ अन अकेडमी। हाँ जी इज दैट क्लियर, ये कभी सोच के मत जाना मेरे आंसर थ्री रहते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेक कीजिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हाइड्रोजन एटम से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझते हो बच्चों? N2 हो गया, कहां भाग रहा है? ग्राउंड स्टेट। तो क्या हो गया? N1 हो गया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है बच्चों। आ जाइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करते हैं। पहले चेक करना E-5 और EK, पक्का ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं पहले। तो ये तो E हाइड्रोजन से लाना है, फॉर्मूला याद है क्या बच्चों? 1/N1 का स्क्वायर। हाँ जी ये 1 माइनस, पक्का क्या? ये उड़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये रख दो 10.2, इसको उल्टा कर दो बच्चों, E-EK इज इक्वल टू 5। तो 10-EK डायरेक्ट दिया है 3.6 मान लो चलेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। कितना आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 10.2 में से 3.6 गया, 6.6 बच्चों। अब चाहिए किस पे? लैम्डा नहीं फ्रीक्वेंसी। पर इसके लिए है ना बच्चों एनर्जी जूल में चाहिए, तो रख देता हूं मैं न्यू 6.6, जूल में बदलना है। यस फ्रीक्वेंसी जूल में, वो MKS सिस्टम में हैंडल होता है, अपॉन H। और H का वैल्यू क्या? थोड़ा ढंग से लिखो, वो H मैं वहां वैल्यू भी भर रहा हूं और H नीचे भी ले आया हूं, चेक करना बच्चों। ये उड़ा दो जी, ये उड़ रहा है, सोल्व करो 1.6 × 10^15। क्या हुआ है? यस इप्सिता जी आंसर 1 हो गया जी। कैसरवानी जी आपका आंसर 1 है, देखो थर्ड नहीं आता। ये 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला? एक्साइटेड स्टेट, कौन सी है? N। तो स्टेट कौन सी हुई? N+1। क्यों? Nth एक्साइटेड स्टेट में N+1 होता है। बोलो जी कहां जा रहा है? ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब N=1। ये N2 है और N1 तो 1 है बच्चों, वापस लगाएंगे
चेक करना, ई 13.6 ग्राउंड स्टेट 1/1 का स्क्वायर। यस, याद रखना एन प्लस वन क्यों लिया बच्चों, क्यों? एनथ एक्साइटेड स्टेट में एन प्लस वन स्टेट होती है, पांचवी एक्साइटेड स्टेट मतलब सिक्स होगी, तीसरी एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ होगी, दूसरी एक्साइटेड स्टेट मतलब एन थर्ड ऑर्बिट होगी स्टेट, ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है, ई माइनस वर्क फंक्शन इज अ ई के, चेक करना बच्चों, ई निकालना है, क्या होगा ई के प्लस, ई के प्लस फाइ, तो टेन ये दे रखा है, ई के कितना टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइ दे रखा है बच्चों 2.75, ये आया 12.75। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, पहली स्टेट की एनर्जी n इज इक्वल टू वन, सो ई वन क्या होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू टू क्या होता है 13.6 बाय टू का स्क्वायर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू थ्री ई थ्री 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, पक्का? हाँ जी, तो कितना आ जाएगा 1.5 के आसपास चलेगा, और n इज इक्वल टू 4 पर e 4 4 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा, 16 का डिवाइड करेंगे तो 0.85। तो चेक करना बच्चों, ये तो पहली स्टेप है ये, और ये फोर्थ स्टेट है, क्यों? इन दोनों का डिफरेंस है ना, वही 10.75 होता है, तो कहां से कहां जा रहा है, फोर्थ से वन स्टेट में, तो n प्लस वन का वैल्यू ये 12.75 है। हाँ जी, तो n का वैल्यू 4 आ रहा है बच्चों, तो अच्छा यहां तो n का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा, फोर्थ स्टेज में जा रहा है ना, तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई, थर्ड, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है बच्चों, मानेंगे नहीं जिन्होंने n इज इक्वल टू 4 लिखा था ना, सबका माइनस 1 हो गया था, तो आंसर इज सेकेंड, फिर आपकी बात गलत हो गई जी केसरवानी जी, पक्का क्या? अरे ऐसे ही देख लो, ये तो आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या कहां से कहां कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ स्टेट से फर्स्ट स्टेट, तो फोर्थ स्टेट हुई तो एक्साइटेड स्टेट एन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड नहीं फोर्थ। अरे भाई एनथ, रुको आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, nth एक्साइटेड स्टेट, तो स्टेट कौन सी हुई, n प्लस वन, तो n प्लस वन का वैल्यू 4 है, ये nth स्टेट में 4 में जा रहा है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस है 12.75, तो कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 1, यस ये ध्यान रखना है,
फोर्थ स्टेट का मतलब कौन सी एक्साइटेड स्टेट हुई? थ्री। मोनी जी बिल्कुल सही है, हम सही हैं, क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी परफेक्ट है। कहां से कहां कूद रहा है? फोर्थ स्टेट से फर्स्ट स्टेट में। एंड फोर्थ स्टेट को क्या बोला जाता है दूसरे नाम पर? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अरे फोर्थ स्टेट को क्या बोलते हैं? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। पक्का ना बच्चों? तो आंसर सेकंड जाएगा जी, थर्ड वालों का माइनस वन हो गया था। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कट ऑफ वोल्टेज, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन पर जाते हैं, हम चेक करना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है, कट ऑफ वोल्टेज पूछा है, क्या होगा? ईवी नॉट, क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की जगह न्यू, न्यू नॉट, एच कॉमन ले लो। तो बोलो जी क्या होगा? यस, तो वैल्यू भरो, ई। न्यू, एट पॉइंट टू माइनस, किसको बाहर ले लिया? टेन की पावर फोर्टीन को बाहर ले लिया। सोल्व करो बच्चों, ये नाइनटीन, ये फोर्टीन, ये माइनस वन। पक्का चेक करना, 8.2 में से 3.3 गया, अप्रोक्स भी चल जाता है यहां। याद रखना 10 की पावर माइनस वन चला आ रहा है। ये क्या होगा? 4.9। अरे बोलो ना बच्चों, 5 मान लो, इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दो तो ये आ गया, तो आंसर इज 2 वोल्ट। चलिए बच्चों आंसर इज सेकंड। कहां गए वो केसरवानी जी? थर्ड आंसर नहीं होता ही जी। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन कौन सा हुआ? नाइन्थ नंबर। क्यों? उसमें बच्चों का माइनस वन ज्यादा होगा बच्चों। वो एन कौन सी वैल्यू पूछी है एक्साइटेड स्टेट की? आंसर किसमें आ रहा है? इसका आंसर सेकंड है जी। यस, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैटर वेव से बच्चों, नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। मैटर वेव्स, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कहानी? ये पक्का, तो लैम्ब्डा किसके प्रोपोर्शनल है? 1/√E। पक्का क्या? तो लैम्ब्डा ई स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? 1/E। बट लैम्ब्डा फोटोन क्या होता है? HC/E। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1/E।
तो e 1 by e की जगह क्या भर दोगे, lambda ph, yes, यहां भर दिया 1 by e का वैल्यू बच्चों, yes, e g p g, तो क्या आएगा, lambda photon is proportional to lambda e square second, matter waves है बच्चों, सेकेंड आंसर चेक कीजिएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इज दैट ये भी मैटर वेव से, इससे है मैटर वेव्स, अरे आंसर तो डिक्लेयर करते रहो, इलेवेंथ का मैंने टिक कर दिया है, सेकेंड चेक कीजिएगा बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन, डी ब्रॉगली क्या होता है, लैम्डा एच अपॉन पी, लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, पी की पावर माइनस वन, क्या होता है परसेंटेज चेंज, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, और जो पावर चढ़ी है उसे आगे बुला लेते हैं, खत्म हो गया बच्चों, ये P इनिशियल है वो डेल्टा P है, ये दे रखा है आपको 0.5%, बोलो बच्चों 0.5%, 100 का डिवाइड करेंगे ये हो गया, ये 0.5% का मतलब, माइनस छोड़ दीजिए, वैल्यू पूछ रहा है, चेंज नहीं पूछ रहा, डेल्टा P P है और P इनिशियल पूछा है बच्चों, सोल्व कीजिए, 0.5 नीचे आया, 1000, 5 से कितने टाइम्स, 200 टाइम्स, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, 200 टाइम्स ऑफ P, अरे बोलो ना, यस आंसर इज थर्ड, वो कैसर वानी जी कहां चले गए, अरे क्या हुआ, कहां घूम रहे हो, चलिए बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आ गया, E is equal to हाँ जी is equal to क्या आ रहा है 13.6 1 by 1 का, बोलो square minus 1 by 5 का square, तो लैम्डा ये एनर्जी का वैल्यू है बच्चों, निकालो, तो 1 by lambda निकाल लो ना, वही तो P होता है, एच सी को नीचे धक्का दो, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल थोड़ा सोल्व कर रहा हूं इसको, पक्का बच्चों, चलिए बच्चों, मिस्टर शाह जी सबको इज्जत से बोलो जी, ये आर होता है बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट, ये तो कितना आया आर 24/25, ये एलसीएम ले लिया मैंने, अब क्या होता है पी,
एच अपॉन लैम्डा, भर दो एच अपॉन वन बाई लैम्डा, ये एम वी, मोमेंटम एम वी होता है ना, बस खत्म हो गया, वन बाई लैम्डा वहां से भरो जी, एच आर 24 बाई 25 और मास को नीचे फेंक दो, यही आंसर है, एच आर 24 25 एम। सो ऐसा कौन सा आंसर है? यस आंसर इज थर्ड बच्चों, केसरवानी जी के जाते ही फिर थर्ड आने लग गया। बोलो बच्चों, चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, अल्फा पार्टिकल सर्कुलर पाथ रेडियस, क्या होता है रेडियस मैग्नेटिज्म में? एम वी बाई क्यू बी, तो पी बाई क्यू बी, तो पी क्या होगा? कुबेर। बोलो बच्चों, चार्ज कितना है अल्फा का? 2e, बी रेडियस, वैल्यू भरो, ये तो आ गया ये, और लैम्ब्रा क्या होता है? बी ब्रॉगली, यस एच अपॉन 2EBR, यहां से P का वैल्यू यहां भर दिया, खुपच, वहां से P का वैल्यू खुपच, आंसर उपच। डेटा ढंग से भरना, B B कितना 0.25 और वो सेंटीमीटर में है बच्चों, यस। चेक कीजिएगा, उड़ा देते हैं, 16.4 जा चलेगा पक्का, ये 0.5 चलेगा, उसमें से वो गया 34 में से 19, ये भी 4 है, चाहो तो उड़ा सकते हो बच्चों, देखो कैसे, ये 0.5 ना, तो इसको 8.3 बना दो, पॉइंट इधर लगा के, ये 20 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर, इसको एक पावर बढ़ा दो ना, क्या करते हो भाई, ये 2 और ये 0.5 हो गया, ये 4 अपॉन 0.5 से करोगे ना, लो 415 है वैसे तो, तो कितना होगा ये, माइनस 15, उड़ जाएगा 10 टाइम्स, अच्छा सेंटीमीटर का माइनस 2 नहीं लिया ना बच्चों, ऐसे कैसे हो गया ये, तो कितना आ गया ये 10 टाइम्स उड़ गया, तो आपका आ गया 10 की पावर, ये प्लस 2 हो गया ऊपर जाके, तो 10 की पावर माइनस 12, सो आंसर इज फोर्थ बच्चों, अरे बोलो ना, मल्टीप्लाई भी टीचर का ही चाहते हो क्या? कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिया, मैग्नेटिज्म में सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सो आंसर इज फोर्थ, बिल्कुल। चलिए आज का लास्ट,
ये डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो दुनिया में चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देने का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, इसे कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये स्पीड। तो स्पीड क्या होगी, एक ही तरीके से बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ाओगे। तो आंसर है सेकेंड। तो ये था आपका टॉपिक बच्चों, आंसर सेकेंड बच्चों। बोलो कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, मैं इधर बैठा हूं। नहीं जी मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर तो बताना पड़ेगा ना, आंसर तो बताना पड़ेगा, कैसे आप जज करोगे कि सही किया है। ये तो आज का सेशन एंड होता है बच्चों, ओके बाय। कल भी 10 और 12 o'clock पर क्लास है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और रेफरल कोड के लिए 10% डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप के लिए बच्चों GSR कोड यूज कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्यों उसमें सबसे ज्यादा माइनस हुआ था बच्चों का, मुझे पता है क्यों हुआ था। बच्चे क्या करा, n इज इक्वल टू 4 निकाल के आ गए और उसने एक्साइटेड स्टेट पूछा था। एक्साइटेड स्टेट एक कम होती है नंबर ऑफ स्टेट से, पक्का बच्चों। तो एक बार और बोलूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नीट यूजी क्वेस्ट चैनल पर आप स्टडी कर रहे हैं ये सब, और रेफरल कोड के लिए 10% डिस्काउंट और मेरा मेंटरशिप के लिए आपको GSR कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। तो ओके बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, कल मिलेंगे 10 o'clock और कल मिलेंगे 10 o'clock और 7 o'clock।